Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ स्टाइल विद रूच में। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है सिंपल एंड ईजी मसाला फ्राई पोटैटो की रेसिपी, जिसको मैंने हरी प्याज के साथ बनाया है। मैंने इसमें लहसुन के जवे 3 से 4 अदद चॉप हुए भी लिए हैं, करी पत्ते 10 से 12 पत्ते, कलौंजी, सफेद जीरा और सौंफ मैंने पिंच ली है, सूखी कसूरी मेथी 1 टीस्पून। अब ड्राई मसाले में मैंने हल्दी 1 टीस्पून, भुना कुटा धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल कुटी मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत। अब मैंने इसमें 1 कप हरी प्याज ली है, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया था। मैंने इसका व्हाइट वाला पोर्शन भी लिया था। आलू 3 से 4 अदद, जिसे मैंने क्यूब साइज में कट कर लिए थे। टमाटर 2 अदद, इसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया था। मैंने टमाटरों को सब्जी के तौर पर इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 1/4 टीस्पून तेल लिया, फिर इसमें मैंने लहसुन को फ्राई करके करी पत्ते, जीरा, कलौंजी और सौंफ का बघार लगाया, फिर इसे हल्का सा फ्राई करके इसमें आलू और टमाटर भी साथ डाल दिए और टमाटरों को भी मैं फ्राई करती रही। साथ ही मैंने सारे स्पाइसेस भी शामिल कर दिए। फिर मैंने इसमें 1/2 कप पानी डालकर और ऊपर से कसूरी मेथी भी डाल दी और ढककर आलूओं को पकने के लिए रख दिया। 6 से 7 मिनट में आलू पक गए थे। ऊपर से मैंने इसमें हरी प्याज भी शामिल कर दी और फिर इसे मिक्स किया और फिर लेमन जूस 1 टेबल स्पून भी डाल दिया और साथ ही मैंने हरा धनिया और बारीक कटी हरी मिर्च भी डालकर 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख दिया। गर्मा गर्म तैयार है। आप इसे पराठों के साथ सर्व करें, बहुत ही मजे का लगता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।